कांग्रेस को हिंदुओं से नफरत है, सत्ता में अगर कांग्रेस आई तो राम मंदिर का फैसला पलट दिया जाएगा और कांग्रेस का सपना है कि अयोध्या में वहां पर फिर से मस्जिद बने। अब जब ऐसे आरोप कांग्रेस पर कोई लगाता है तो कांग्रेस उस पर FIR दर्ज करा देती है। अब मैं ये आरोप लगा रहा हूं तो तथ्यों के साथ लगा रहा हूं, आपको एक एक बयान सुनाऊंगा कि किस तरीके से कांग्रेस को लेकर असदुद्दीन ओवैसी बयान दे रहे हैं, किस तरीके से आचार प्रमोद कृष्णम राहुल गांधी पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। सबसे पहले यह समझ लीजिए कि जब 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई और भव्य तरीके से पूरा आयोजन हुआ तो उससे पहले राम मंदिर के लिए निमंत्रण दिया गया था कांग्रेस को, लेकिन कांग्रेस ने बाकायदा लेटर जारी करके राम मंदिर के आयोजन में शामिल होने से इनकार कर दिया था। इसके अलावा भी तमाम लोगों ने जाने से मना कर दिया था लेकिन किसी ने लेटर जारी नहीं किया था। हालांकि कांग्रेस ने ये बताने की कोशिश की कि वो राम मंदिर के उद्घाटन समारोह में नहीं जा रहे हैं, इसीलिए बाकायदा लेटर जारी किया गया ताकि भविष्य में भी बताया जा सके प्रूफ के साथ कि हम राम मंदिर के उद्घाटन में नहीं पहुंचे थे। लेकिन अब जब कांग्रेस का पर्दाफाश हो रहा है तो कांग्रेस तिलमिला जा रही है, जब उसे हिंदू विरोधी बताया जा रहा है तो कांग्रेस की तरफ से FIR दर्ज कराया जा रहा है। लेकिन जो बातें असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं, जो बात आचार्य प्रमोद कृष्णम कह रहे हैं, वो बात आपको हैरान कर देगी। सबसे पहले आपको सुना देते हैं कि आचार्य प्रमोद कृष्णम किस तरीके से बयान देते हुए कह रहे हैं कि राहुल गांधी की एक मीटिंग में ये फैसला हुआ था कि अगर सत्ता में कांग्रेस आई तो राम मंदिर का फैसला पलट दिया जाएगा, ठीक वैसे ही जैसे राजीव गांधी ने किया था। अब आप समझ सकते हैं कि कितना भयंकर प्लान कांग्रेस का था। अभी तो 99 सीटें ही कांग्रेस ने जीती, सोचिए अगर सत्ता में आ जाते तो आचार्य प्रमोद कृष्णम जो कह रहे हैं क्या वो सच साबित हो जाता। और एक बात मैं और बता दूं, मैं कांग्रेस में 32 साल से भी ज्यादा समय मेरा बीता है। जब राम मंदिर का फैसला आया, राम मंदिर बनना शुरू हुआ, उसके बाद राहुल गांधी जी ने अपने नजदीकी लोगों की एक बैठक में अमेरिका के रहने वाले अपने एक शुभचिंतक के कहने पर, इशारे पर, सलाह पर यह बात कही थी कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम सुपर पावर कमीशन बना करके राम मंदिर के फैसले को पलट देंगे। उन्होंने यह भी कहा था जिस तरह शाहवानों का फैसला राजीव गांधी जी ने पलटा था, 3 तलाक के मुद्दे को लेकर के शाहवानों का फैसला, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था उसको बदल दिया गया था। तो जब शाहवानों का फैसला बदला जा सकता है तो राम मंदिर का फैसला क्यों नहीं बदला जा सकता। ये तो थे कांग्रेस से निष्कासित आचार्य प्रमोद कृष्णम, जो कि ये बयान दे रहे हैं और कह रहे हैं कि ये प्लान राहुल गांधी की एक मीटिंग में बना था उनके खास लोगों के साथ। हालांकि कांग्रेस सत्ता से दूर रह गई है तो ये सपना भी अभी कांग्रेस का पूरा होता नहीं दिख रहा है। लेकिन ओवैसी जो कह रहे हैं वो और ज्यादा चौंकाने वाला है। इस देश के लोगों को सोचना होगा कि आखिर कांग्रेस क्या कुछ सोच रही है। दरअसल AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं, कांग्रेस जब सत्ता में हुआ करती थी तब उसने अपने मैनिफेस्टो में ये डाल रखा था कि वो मस्जिद बनवाएंगे, उनका सपना है मस्जिद बनाने का अयोध्या में। और ओवैसी का ये बयान आज खूब तेजी से वायरल हो रहा है, जब कांग्रेस को हिंदू विरोधी कहा जा रहा है और कांग्रेस जब FIR दर्ज करा रही है ऐसे लोगों पर जो कि उसे हिंदू विरोधी कह रहे हैं। लेकिन ओवैसी का बयान उसे दिख नहीं रहा है, आचार्य प्रमोद कृष्णम का बयान उसे सुनाई नहीं दे रहा है। फिलहाल सुनिए ओवैसी क्या कह रहे हैं, उसके बाद आगे बात करते हैं। कांग्रेस पार्टी जब बाबरी मस्जिद का डेमोलिशन हुआ था तो डेमोलिशन के बाद कांग्रेस पार्टी का एक रेजोल्यूशन है पार्टी का कि हम दोबारा वहां मस्जिद बनाएंगे, समझे आप। जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी उनका रेजोल्यूशन है इनकी पार्टी का कि हम बाबरी मस्जिद को वहीं बनाएंगे।
तो आपने दो बड़े नेताओं को सुना, एक कांग्रेस से निष्कासित आचार्य प्रमोद कृष्णम को और एक AIMIM चीफ और अभी हैदराबाद से सांसद बने असदुद्दीन ओवैसी को। दोनों के बयान को आप जब देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि कांग्रेस का प्लान क्या है। कांग्रेस किस तरीके से अयोध्या में जहां राम मंदिर बना है वहां पर मस्जिद बनाना चाहती है, और अगर सत्ता में आई तो आचार्य प्रमोद कृष्णम कह रहे हैं कि राम मंदिर के फैसले को पलट भी दिया जाएगा। ऐसे में जब आज कांग्रेस पर हिंदू विरोधी होने का आरोप लग रहा है तो किस आधार पर कांग्रेस FIR दर्ज करवा रही है। हालांकि कांग्रेस का हिंदू विरोधीपन किसी से छिपा नहीं है, वो चाहे 26/11 हमले के बाद भगवा आतंकवाद का शब्द गढ़ना हो, चाहे कसाब के हाथ में रक्षा देखकर हिंदू आतंकवाद का शब्द गढ़ना हो, ये सब इसी देश में होता रहा। और कांग्रेस के दिग्गज नेता बड़ी बड़ी किताबों का प्रमोशन करते हुए आरोप लगाते रहे, राम को काल्पनिक बताती रही कांग्रेस, सुप्रीम कोर्ट में कपिल सिब्बल वकीलों की फौज लेकर खड़े रहे राम को काल्पनिक बताते वक्त। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से कांग्रेस का एक बड़ा और भयंकर प्लान रहा है, और आज इस प्लान का पर्दाफाश हो रहा है और उसमें आचार्य प्रमोद कृष्णम के उस बयान का जिक्र हो रहा है, असदुद्दीन ओवैसी के शब्द को सुना जा रहा है जिसमें ओवैसी कह रहे हैं कि कांग्रेस का सपना है कि अयोध्या में मस्जिद बने। फिलहाल कांग्रेस बौखलाई है जब उसके भयानक और काला चिट्ठा सबके सामने आ गया है, इसीलिए कांग्रेस FIR दर्ज करा रही है। ऐसे में कांग्रेस के इस प्लान पर, जो कि बहुत भयानक प्लान है, उस पर आपकी राय क्या है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि हर एक शख्स के पास पहुंचे, और कमेंट करना ना भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बने रहिएगा हमारे साथ। और एक बात मैं और बता दूं, मैं कांग्रेस में 32 साल से भी ज्यादा समय मेरा बीता है। जब राम मंदिर का फैसला आया, राम मंदिर बनना शुरू हुआ, उसके बाद राहुल गांधी जी ने अपने नजदीकी लोगों की एक बैठक में अमेरिका के रहने वाले अपने एक शुभचिंतक के कहने पर, इशारे पर, सलाह पर यह बात कही थी कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम सुपर पावर कमीशन बना करके राम मंदिर के फैसले को पलट देंगे। उन्होंने ये भी कहा था जिस तरह शाहवानो का फैसला राजीव गांधी जी ने पलटा था, 3 तलाक के मुद्दे को लेकर के शाहवानो का फैसला, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था उसको बदल दिया गया था। तो जब शाहवानों का फैसला बदला जा सकता है तो राम मंदिर का फैसला क्यों नहीं बदला जा सकता है। कांग्रेस पार्टी, जब बाबरी मस्जिद का डिमोलिशन हुआ था तो डिमोलिशन के बाद कांग्रेस पार्टी का एक रेजोल्यूशन है पार्टी का कि हम दोबारा वहां मस्जिद बनाएंगे, समझे आप। जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, उनका रेजोल्यूशन है उनकी पार्टी का कि हम बाबरी मस्जिद को वहीं बनाएंगे।